पूरी दुनिया को एकता अमन का पैगाम देने वाली बाबा ताजुद्दीन, इनके 159वें जन्मदिन के अवसर पर परिसर में बढ़िया व्यवस्था की गई है। इस बारे में प्रशासक की ओर से जानकारी दी गई, देखते हैं एक नजर। हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, इनका 159वां जन्मदिन बड़ा ताजबाग में मनाया जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग राज्यों से, शहरों से बड़ी संख्या में छोटे बच्चों से लेकर सभी युवा व बुजुर्ग श्रद्धालु दर्शन करने आए हैं। परिसर में आए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए जगह जगहों पर कैमरे लगाए गए हैं। सभी पर नजर रखने के लिए कैमरे को नियंत्रित किया जा रहा है। इस बारे में प्रशासन द्वारा INBCN समक्ष जानकारी दी गई। बाबा जान के दर्शन के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु यहाँ पे बड़ी संख्या में आए हुए हैं और हर किसी के ऊपर में पैनी नज़र रखने के लिए, कोई भी ऐसी घटना न हो इसके लिए भी आप देख सकते हैं कि यहाँ CCTV कैमरे के जरिए यहाँ पे पूरा विजुलाइजेशन हो रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, इसकी जो पल पल की जानकारी इसी कक्ष से दी जाती है, सबसे बड़ी बात है। अब हम बात करना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ में ट्रस्टी और पदाधिकारी कुछ है उनसे। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे यहाँ के जो विश्वस्त है कुबड़े साहब, उनसे। कुबड़े साहब, ये बताइए कि आज का बाबा जान का जो 159वां जो जन्मदिन है, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? आज बाबा जान का 159वां जन्मदिन है। आपने अभी दिखाए हैं कि हमारे CCTV से सब लोग हम वॉच कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस फोर्स भी है, यहाँ 280 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। लोगों की सुरक्षा और यहाँ स्वच्छता रखने की हमारा कोशिश है और हमको आप भी देखते होंगे कि कितने ज़्यादा तादाद में लोग आ गए हैं और ये बाबा पर उनकी श्रद्धा है, इसीलिए लोग हर धर्म का हर्म इसका आता है लोग। यही एक बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है कि यहाँ इतनी संख्या में लोग आ गए और हम उनकी सुरक्षा और स्वच्छ ये व्यवस्था कर पाए। अमन भाई, आप क्या कहना चाहोगे? हम लोग अभी यहाँ पर बाबा जान का जन्मदिन 159वां मनाने जा रहे हैं और हमारे प्रशासक साहब, हमारे कुबड़े साहब के मार्गदर्शन में हम ये चौथा जन्मदिन कर रहे हैं यहाँ पर। और जो जायरीनों की व्यवस्था के लिए हमने पूछे, वो हमारे पर में बैंकेट हॉल है, वो पूरे हमारे जायरीन यहाँ ठहरे हुए हैं। हमने NMC की तरफ से पानी का इंतज़ाम किया है, यहाँ रहने का इंतज़ाम किया है, हमारे लंगर में खाने का इंतज़ाम है और जो भी जायरीनों की सुविधा के लिए हमने जो जो चीज़ें लगती है उसके लिए हमने पूरी प्रयत्न किए और अच्छे से अच्छा हम जायरीनों को सेवा दे सके, ये हमारी कोशिश रहेगी। आज बाबा ताजुद्दीन का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के मौके पे हमारे मित्र अमन भाई और यहाँ पे जो प्रशासक कुबड़े जी और श्रीकांत जी रारोकर, सौरभ जी वरखड़े, सभी हम यहाँ पे दर्शन करने उपस्थित हुए और ताजबाग कमेटी ने जो यह कार्य किया है वो सराहनीय है और बहुत अच्छा कार्य यहाँ की कमेटी कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे अच्छी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किए गए। इस बारे में यहाँ की जो ट्रस्टी कुबड़े साहब और अमन भाई और ये तमाम जो यहाँ पे पदाधिकारी खासतौर पे मौजूद है, उन्होंने ये जानकारी दी है। मैंने बहुत अच्छी रोशनी की व्यवस्था की है। मैं चाहूँगा कि आप बाहर, आपके माध्यम से बाहर जो जायरीन नहीं आ पाए, यहाँ की रोशनी देखें और दरबार की जो भी हमने व्यवस्था करी है वो भी देखें, क्योंकि अभी CCTV दरबार में भी लगाया हुआ है। बाहर लगाने की वजह से जो नहीं आ पाते उनको बाबा का दर्शन हो सकता है और आपने अगर दिखाया तो जो दूर दूर के लोग हैं उनको यहाँ की रोशनी भी देखनी मिलेगी और बाबा के भी दर्शन होंगे। तो मैं आपसे विनती करूँगा कि हमारे जो हमने यहाँ पे रोशनी की है उसका भी थोड़ा सा फोटोग्राफी करके लोगों को अवगत करें। बिल्कुल, इस तरह का इन्होंने आह्वान किया और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और बताएंगे हमारे तमाम दर्शकों को कि किस तरह से बड़ा ताजबाग में 159वां बाबा जान का जो जन्मदिन है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इन्होंने काफ़ी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था की। ये सबसे अच्छी बात है, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। कहने का मतलब ये कि कोई अनुचित घटना हो ही नहीं सकती क्योंकि पुलिस प्रशासन काफ़ी है, यहाँ के जो कार्यकर्ता है पूरे अच्छे से कामकाज करते हुए नज़र आ रहे हैं और जिस प्रकार से इन्होंने जो जिक्र किया है कि रात के समय में यहाँ की जो रोशनी है अपने आप में दिखती है, वैसा देखा जाए तो नागपुर शहर का ये बड़ा ताजबाग, ऐसा कोई भारत या क्या पूरे दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति न हो कि जिसे बड़ा ताजबाग मालूम न हो, क्योंकि बड़ा ताजबाग से ही
नागपुर की पहचान है। नागपुर तो अन्य कई बातों से भी पहचाने जाते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर बड़ा ताजबाग यानी बाबा जान यानी ताजुद्दीन बाबा के नाम से भी इस नागपुर शहर को जाना और पहचाना जाता है। तमाम लोग आए और उन्होंने बाबा के चरणों में माथा टेकते हुए यही दुआएं की है कि पूरे भारत में नहीं तो विश्व में अमन शांति और भाईचारा कायम रहे। तो इस तरह इन्होंने ये बात की है, जीवन में यदि हमें बनना है तो पीपल का पत्ता मत बनिएगा क्योंकि वो सूख के लुढ़क जाता है। बनना है तो मेहंदी का वो पत्ता बनिएगा जो घिसने के बाद औरों के जीवन में रंग भर देता है, और बाबा जान ने यही रंग तब भरे थे। और बाबा जान का ये कामकाज है, उनके जो विचार है उनके तत्वों पे आज दुनिया ने चलते हुए हर किसी के जीवन में हर किसी का भाईचारे में रंग भरना बेहद ज़रूरी है, यही समय की मांग है। बाबा जान के इस जन्मदिन के मौके पर इनबीसन के ढेर सारे तमाम दर्शकों को हम शुभकामनाएं देते हैं। और बड़ा ताजबाग से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खुबरागढ़ के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।